हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो बात करते हैं अभी प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने भी जो यहाँ मंगवाया है ये है सिरोना का आईब्रो ट्रिमर एंड सेकेंड नोज स्ट्रिप। तो दो प्रोडक्ट मेरे पास है जिसमें से कि रिव्यू सिर्फ मैं आज करूँगी इस ट्रिमर का, नोज स्ट्रिप का रिव्यू मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो ट्रिमर को फ़िलहाल मैंने ये निकाल लिया है बॉक्स से, साथ में निकला है ये एक पाउच इसको रखने के लिए, मतलब ट्रैवलिंग टाइम पे ये पाउच बहुत आपके काम आएगा। तो आप इस पाउच में भी इस ट्रिमर को कैरी कर सकते हो, ठीक है। साथ में मैंने वगैरह निकले हैं लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ये मेरी सेकेंड परचेजिंग है आईब्रो ट्रिमर की सिरोना से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये सेकेंड परचेज़ किया है अपने एक फैमिली मेम्बर के लिए। तो सोचा क्यों ना मैं जब यूज़ कर रही हूँ तो इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके बाद ये मैंने नोज़ स्ट्रिप फर्स्ट टाइम लिए है, इसका रिव्यू मैं इस वीडियो में तो नहीं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिएगा, ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उसमें आपको क्या करना है। ये जो ट्रिपल ए वाली बैटरीज होती है ना, सिर्फ एक सिंगल बैटरी इसमें जाएगी। इसको आपको यहाँ से पैन की तरह से ओपन करना है, बहुत ईजी है, और इसको आपको इंसर्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से अच्छे से इंसर्ट कर लेंगे और ये इस तरह से लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका साउंड सुन सकते हैं। तो गाइस, इसके साउंड से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये काम करने स्टार्ट कर चुका है, मतलब ये ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेमो देती हूँ मैं आपको अपने हैंड पे। तो यहाँ आप, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ अच्छे से कि किस तरह से ये मेरे हेयर्स को रिमूव कर रहा है, क्योंकि ये क्लोज़अप वीडियो है तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल हेयर रिमूव इससे अच्छे से हो जाते हैं। तो आप अभी देख ही रहे होंगे कि इसने मेरे जो ये थोड़ा सा जो पार्ट है हैंड का, वहाँ मैंने जब रिमूव करी तो कितने अच्छे से सारे हेयर मेरे निकल गए। तो अभी इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी इसको अपने आईब्रो पे, मैं वो भी करके आपको लाइव दिखाऊँगी वीडियो में। तो अभी आप मेरी देख सकते हो कि आईब्रो की शेप जो है वो बिल्कुल थोड़ी बड़ी हुई है, मतलब बिल्कुल भी शेप अभी नहीं है एग्जैक्टली शेप जो होनी चाहिए थी। तो अभी मैं इस तरह से आपको यूज़ करना दिखा रही हूँ कि आपको कैसे इसको संभल के यूज़ करना है एंड बहुत आराम से एंड स्लोली स्लोली यूज़ करना है। क्योंकि गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया मेरी सेकंड परचेजिंग है ये, एंड जब मैं इसको लिया था तो मुझे भी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी और किसी को भी नहीं होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ना इसको दो तीन बार स्टार्टिंग में मैंने अपने हैंड पे इसको यूज़ किया था। देन फिर इसको मैंने यूज़ करना जब स्टार्ट किया था आईब्रो पे तो बहुत स्लोली स्लोली लाइक दिस की जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो बहुत आराम से, क्योंकि गलती से भी अगर ये पैन का आगे से जो मतलब आप ट्रिमर इस ट्रिम कर रहे हैं जो आप इसको गलती से वो कोई आपकी आईब्रो में इधर उधर लग गया तो वहाँ से आपको पता है कि आपकी जो आईब्रो है वो बिल्कुल निकल जाएगी, वहाँ से बाल बिल्कुल हट जाएंगे, तो बिल्कुल आपकी शेप ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको अच्छे से रखना है कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो एकदम अपनी आईब्रो को पहले अच्छे से एक कॉम कर लें, ठीक है। उसके बाद जैसी शेप आप यूज़ करते हो, जो आप शेप रखते हो उसी तरह से उसको आप यूज़ करें। और अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा करके इसको पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जब ऑन होता है उसके बाद आप जब कर रहे होते हो अगर गलती से वो इधर उधर चला गया तो वहाँ से वो बालों को हटा देगा। तो बस बेटर यही है कि आप थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करें और इसका ना आप डायरेक्शन चेक करें कि ये कैसे बालों को निकालता है। लास्ट में वीडियो के मैं वो भी आपको दिखाऊँगी जूम करके और अच्छे से अलग से भी कि इसकी जो हेयर हटाने की टेक्निक है वो किस तरह से काम करती है। तो आपको इसको ना रिवर्स में लेके जाना है, तो जैसे हम नॉर्मली वैक्सिंग वगैरह करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में उसी तरह से है। आपको इसकी टिप को जो है रेज़र की टिप को बस फ्लैट रखना है अपने आईब्रोज के पास और उसको फ्लैट रखने के बाद उसको ट्रिम करते जाना है। उसमें बहुत आपको मतलब लगेगा टिपिकल सा, लेकिन थोड़ा फर्स्ट सेकेंड टाइम में आपको लग सकता है, लेकिन बाद में इसकी जब हैबिट हो जाएगी आपको तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं जैसे कि मैं अभी इस वीडियो में निकाल रही हूँ, कि मैं इसको ना थोड़ा सा ना एंगल वेव करके भी इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि बाल को बस थोड़ा सा ही ट्रिम करना है। और जब प्रॉपर आप नीचे से ट्रिमिंग जब कर रहे हो, आप इसको जब रिमूव कर रहे हो तो इसको बिल्कुल फ्लैट रख के भी ना, एक जैसे पेन से आउटलाइन बनाते हैं उस तरीके से भी रख के आप इसको रिमूव कर सकते हो, बहुत ईजी है। थोड़े दिन की प्रैक्टिस में या थोड़ा टाइम की प्रैक्टिस में आपको अच्छे से आ जाएगा।
एंड बस आपको अच्छे से रिमूव करके उसके बाद अगर आप यूज़ करते हो पोस्ट शेव जेल या कुछ भी क्रीम वगैरह, तो आप अपने फेस वॉश करके पैड ड्राई करके उसको भी लगा सकते हो, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तो अभी आप मेरे दोनों आईब्रो का देख सकते हो शेप में कितना अंतर आ गया है, क्योंकि मेरे को ना वी शेप वाली जो होती है ना पॉइंटेड आईब्रो वो मुझे पसंद नहीं है, मैं राउंड शेप में ही करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ना इसी टाइप का पसंद है। और ये नीचे से एक बाल थोड़ा सा रह गया एक्स्ट्रा, तो बहुत ही आराम से मैं उसको भी रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। उसके लिए आप अपनी स्किन को ना इस तरीके से होल्ड कर सकते हो टाइटली, मतलब आप इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे पकड़ के भी करोगे ना तो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है इस तरीके से। अगर आपको नीड लगती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि एक या दो बाल जब रह जाते हैं तो उनको निकालने में ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसके लिए टेक्निक बहुत अच्छी है। तो गाइज मैं तो आफ्टर ट्रिमिंग अपने फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करती आईब्रो एंड अपर लिप्स के लिए, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे थोड़ा सा वो प्रॉब्लम देता है कुछ भी मॉइस्चराइज़र लोशन वगैरह लगाना, वहाँ पिंपल्स आने लगते हैं। तो मैं जस्ट एक सिंपल फेस वॉश कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं एक आइस क्यूब भी रब कर लेती हूँ, तो उससे थोड़ा ना सूथिंग इफेक्ट आ जाता है, तो उसके बाद मेरे को बहुत कम्प्लीटली अच्छा लगता है। और आपको कुछ नीड नहीं है करने की। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मेरे जो छोटे छोटे हेयर इसने निकाले हैं वो किस तरह से ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, लेकिन एक और छोटा सा डेमो मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, ये बिल्कुल लास्ट है वीडियो का, तो इसको भी आप ध्यान से देखना कि किस तरह से ये मेरे हाथ में जो मेरी नॉर्मल चोटी है पोनी टेल है उसके मैं बाल रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगा आपको अगर आईब्रो करते में ना समझ आया हो तो उसके बाद आपको यहाँ से समझ में आ जाए। तो अभी ये क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऐसी है कि मैं फ्लैट वे में इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको ये दिखा रही हूँ कि जब फ्लैट करने के बाद आपके जब थोड़ा सा भी बाल ना इस पेन की टिप के अंदर जब जाता है तो वो ये बालों को तुरंत वहाँ से काट देता है। आई थिंक शायद मेरे हिसाब से अभी आपको समझ आ रहा हो यहाँ पे। तो मैं और अच्छे से देखो यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखना कि जब ऐसी पेन की टिप के अंदर ही यहाँ से जब हेयर जाते हैं तो किस तरह से वो ट्रिम हो जाते हैं। तो गाइज़ ये था सिरोना के आईब्रो ट्रिमर का रिव्यू, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो होंगे न्यू वीडियो होंगे उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगी। तो मेरे चैनल पर आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोज़ एंड रिव्यूज़ मिलेंगे प्रोडक्ट के। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।